साथियों, आज हम बात करेंगे सोलेनेसी फैमिली का। सोलेनम इंडिकम, इसको बड़ी कटेरी के नाम से भी आप लोग जानते होंगे और बड़ी भटकटैया के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद फूल इसके अंदर होते हैं और इसके जो पत्र होते हैं उसके कांटे होते हैं इसके अंदर। इसके जो पत्र होते हैं वो बैंगन जैसे भी दिखते हैं, क्योंकि बैंगन भी इसी फैमिली का है। और इसके विभिन्न प्लांट पार्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इसकी जड़, जड़ की छाल, पत्र, इसके जो आप देख रहे हैं इसके फल, इसके बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इसमें दो मुख्यतः एल्कलाइड पाए जाते हैं, सोलेनिन और सोलेनिडाइन। इसके अलावा इसमें कई फैटी एसिड्स भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन में और रेमेडिएशन में, लीवर रेमेडिएशन में हेल्प करते हैं। अब हम इसके अगर यूज़ की बात करें तो अर्स का अगर कोई पेशेंट है जिसको अर्स है, तो उसको हमें ये जो फल हैं इसको सुखा के रख लेना चाहिए और इसकी धुनी देनी चाहिए। धीरे धीरे अर्स में विशेष लाभ करता है। जीर्ण काश की अगर समस्या हो तो इन्हीं फलों को काट कर सेंधा नमक मिलाकर खाने से पुराने से पुराना कफ निकल जाता है। बेहोशी की समस्या हो तो इनके बीज, सूंठ और छोटी पिपली का महीन चूर्ण बनाकर फूंक देनी चाहिए। धीरे धीरे छींक करके पेशेंट खड़ा हो जाता है और बेहोशी की निद्रा से बाहर आ जाता है। और अस्मरी की अगर समस्या हो तो इसी पौधे की जो जड़ होती है उसको मीठी दही में पीसकर दिन में 2 से 3 बार एक सप्ताह तक लेने से हर प्रकार की अस्मरी, ख़ास तौर से किडनी की जो अस्मरी है उसमें विशेष लाभ करता है। वमन की समस्या हो तो इसके पत्र का सुरस, अदरक के सुरस के साथ मिलाकर पीना चाहिए। यह एनाल्जेसिक का कार्य भी करता है, पेन किलर का कार्य करता है। और अगर सिर का सूल हो, सिर के सूल का, चाहे वो माइग्रेन के कारण हो या साइनस की समस्या होती है, साइनोसाइटिस इसको कहते हैं, उसके कारण अगर सिर का दर्द भी हो तो इसके जो फल हैं उसका हमें पेस्ट बनाकर सर में लगाना चाहिए। सर सूल में लाभ करता है। और पत्र का सुरस बनाकर, शहद मिलाकर पीना चाहिए, फ़ायदा करता है सिरसूल में। यह गर्भ स्थापक भी है, कंसीविंग में हेल्प करता है। इसका पूरे प्लांट का पंचांग के सेवन करना चाहिए। और नेत्रों की अगर समस्या हो तो इसके सुरस का, पत्र का सुरस हमें लेकर उसमें हमें धीरे धीरे उसको हमें अप्लाई करना चाहिए, अंजन बनाकर लगाना चाहिए। नेत्र की हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। और अगर सूल की समस्या हो, उदर सूल हो, क्योंकि यह वात का समन करने वाला होता है, तो उदर सूल में भी विशेष लाभ करता है। त्वचा संबंधित अगर रोग हो तो इसके फूल, फल और पत्र का पेस्ट बनाकर लगाना चाहिए, त्वचा के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इसकी जो गर्भस्थापक प्रॉपर्टी होती है, यह एमिनागोग प्रॉपर्टी होने के कारण होती है। यह फीमेल हार्मोन को रेगुलेट करती है और गर्भ स्थापना में सहायक होती है। पुराने से पुराना अस्थमा हो तो इसके पूरे प्लांट का पंचांग बनाकर, पंचांग का क्वाथ बनाकर हमें सेवन करना चाहिए, अस्थमा में भी विशेष लाभ करता है। फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ। आप अपनी जो शंकाएँ हैं वो हम तक भेज सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।